छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने के साथ ही अब विकास कार्य को गति देने के लिए अग्रसर हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक राजधानी रायपुर के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर बसना विधायक संपत अग्रवाल से खास चर्चा की हमारे संवाददाता अंबिका मिश्रा ने। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार वापसी की है और इस वापसी के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और इसके सीधे सीधे हम बात करते हैं, क्योंकि आप अभी देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहाँ पर आज जो आलम है वो दीपावली के जैसा हमें लग रहा है। और आखिर क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार धमाका करते हुए अपनी सत्ता में वापसी की है, और जिसका कल जो है कल मंत्रिमंडल की शपथ भी होने वाली है, और साथ ही साथ जितने भी विधायक जीत करके आए हैं सारे के सारे राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। हम बात करेंगे, जैसे कि हमने विधानसभा चुनाव के पहले हमने कई प्रत्याशियों से बात की थी, हमने चर्चा भी की थी, और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद होंगे बसना के विधायक संपत अग्रवाल जी, जिन्होंने भारी बहुमत के साथ में बसना के लोगों के दिलों में राज करते हुए जीत हासिल की। हम सीधे उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार इन्होंने जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद क्या कुछ इनका उद्देश्य रहेगा। संपत जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपने धुआंधार जो जीत दर्ज किया है। थैंक यू। जीत दर्ज करने के बाद, क्योंकि आपके सामने जो है राय बहादुर सिंह थे, जो रासी परिवार से आते हैं, आपने उन्होंने आप मात दी है, क्या कुछ आपने अपनी इसमें रणनीति अपनाई थी? अभी मोदी की गारंटी, जो ऐसे लोगों की सिर चढ़ के बोल रहा था, मातारी वंदन योजना और बसना में तो खासकर बसना विधानसभा के लोग आपने देखा ही है कि मुझे अपना परिवार मानते हैं और परिवार का भाई और बेटा समझ के और इतना ज़्यादा मुझे स्नेह देते हैं। और मुझे जब टिकट मिल गई तभी से लोगों में काफ़ी उत्साह था, और बाद में फिर जब घोषणा पत्र आया तो उत्साह और चार गुना हो गया। और राजा देवेंद्र बहादुर सिंह, जो कि निष्क्रिय विधायक के रूप में जाने जाते थे, उसको पूरी जनता ने नकारा और हमें प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। जिस प्रकार से हमारी जब आपसे मुलाकात हुई थी क्षेत्र में, जब आप जा रहे थे लोगों से मिल रहे थे, तो आपने कहा था कि जो क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है, सबसे ज्यादा वहाँ पे सड़कों की हमने समस्या देखी है, मूलभूत सुविधा वहाँ पर लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो ये जो अब काम है लोगों को कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि आपने तो अपना काम कब से चालू कर दिया है, लेकिन अब जो है जमीनी स्तर पे और आधिकारिक रूप से आप कब से काम शुरू करने वाले हैं? हमको अभी तक अथॉरिटी मिली नहीं है, फिर भी काम शुरू कर चुके हैं। कलेक्टर, एसपी, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देके वहाँ के काम बहुत स्पीड से चालू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने वहाँ की जनता से वादा किया है कि सारी मूलभूत समस्याएं 6 महीने के अंदर में मैं दूर करवा दूंगा। अब चूंकि प्रदेश में हमारी सरकार बन गई है, सरकार बनने की तो 100% पहले से उम्मीद थी, अगर किसी कारण से ऐसे होता तो बहुत धरना प्रदर्शन भी करना पड़ जाता, वगैरह भी पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी है, इसीलिए जो 6 महीने का हमने वादा किया है तो उससे पहले ही वहाँ की मूलभूत समस्याएं दूर कर ली जाएंगी। सभी सड़क पहुँच मार्ग के लिए जितने पूरे गाँव में, अधिकांश गांव में सड़क की स्थिति खराब है, वो सबको ठीक कर लिया जाएगा। जनता का समर्थन आपको मिला और समर्थन क्या, अपार समर्थन आपको मिला है, तो समर्थन देने वाले उस आपकी जनता को जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पर लाके खड़ा किया, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश आप उन्हें देंगे? हमारे बसना विधानसभा की जनता को मेरा यही संदेश है कि मैंने वहाँ के जनता को अपना परिवार के सदस्य माना है, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग के हर सुख दुख में एक परिवार के सदस्य की भांति ही खड़े रहूँगा, और वहाँ की जो जितनी समस्याएं हैं वो सब का निराकरण एक जन सेवक की भांति हमेशा करते रहूँगा और हमेशा आप लोगों के काम आऊँगा। और ये जो जीत है मेरे नहीं, बसना विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवारजनों की, वहाँ की जनता की जीत है, उनको इस जीत को उन्हीं को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बसना की जनता का जो संपत अग्रवाल है वो बदलेगा तो नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्ता में जब आसीन होने के बाद में बदल जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है जहाँ की जैसा कि आपकी जो छवि बनी हुई है, क्योंकि आप राजनीति में आने से पहले आप समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं और जनता ने आपको एक सच्चे समाज सेवक के रूप में चुना है। मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक जिंदा रहूंगा उस क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहूंगा, और सेवा करने के लिए ये बहुत बड़ा मंच है, अब सेवा कार्य 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वहाँ की जनता खूब अच्छे तरीके से जानती है कि मैंने जब उनको परिवार समझा है
तो राजनीतिक कारणों से नहीं समझा है। कोरोना काल आया तब चाहे वो कोई भी पार्टी का रहे, रात और दिन जग के उनकी सेवा करी है, एम्बुलेंस दिलवाए हैं और वो काम अब निरंतर चलते रहेगा, वहाँ की तरक्की और विकास यही मेरा ध्येय रहेगा। तो ये थी हमारी खास चर्चा भारतीय जनता पार्टी से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज होने वाले बसना विधायक संपत अग्रवाल से, जिनका कहना है कि एक समाज सेवक जो है अब एक राजनेता के रूप में उभर कर सामने आएगा और बसना की जो जनता है उनको मूलभूत सुविधा दिलाने के साथ साथ उनके हर सुख दुख में अपना भागीदारी निभाएंगे, ये कहना है बसना के विधायक संपत अग्रवाल का। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार सत्ता में आसीन होने के बाद जनता के विश्वास पे और उनके वादों पर कितना ये खरा उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है जो हमें देखने को मिल रहा है। इस खास कवरेज के लिए मेरे सहयोगी टिकेंद्र साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया।